भोजपुरी की नंबर वन अदाकारा काजल राघवानी इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। उनकी आने वाली बैक टू बैक सारी फिल्में हिट जो हो रही हैं और दर्शकों की वो पहली पसंद बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब है कि काजल राघवानी इस साल इस नवरात्रि को ज्यादा ही स्पेशल करने वाली हैं और अक्षरा सिंह को सबसे बड़ा चैलेंज देने वाली हैं। तो पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ पहली बार नवरात्रि में काजल राघवानी गाना गाएंगी, वो भी अपने एक एल्बम के लिए। जी हाँ, इसमें स्वर काजल राघवानी के होंगे। वैसे भी खेसारी लाल यादव की संगत का कुछ तो असर काजल राघवानी पे दिखेगा ही। खेसारी लाल यादव वैसे भी अच्छा गाते हैं और जिसकी संगत में आप ज्यादा रहो तो उसका कुछ न कुछ असर तो आप पर दिखाई ही देता है। वैसे ये गौरतलब है कि हर बार नवरात्रि में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ तीनों में कांटे की टक्कर हुआ करती थी, लेकिन इस साल इस कंपटीशन का दायरा थोड़ा बढ़ गया है। अब इसमें भोजपुरी जगत की अभिनेत्रियां भी कूद पड़ी हैं। वैसे अक्षरा सिंह की गायकी के लोग काफी कायल हैं और उनकी गायकी में असर भी दिखता है, क्योंकि उनके गाए हुए हर एल्बम अभी तक हिट ही साबित हुए हैं। अब इस नवरात्रि काजल राघवानी आ गई है अक्षरा सिंह को टक्कर देने। वैसे भी अक्षरा सिंह के नवरात्रि की एल्बम के गाने की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो जल्द ही यूट्यूब पे दस्तक भी दे देंगे। वैसे उनका एक गाना आजकल खूब पॉपुलर भी हो रहा है, लेकिन ये अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी टफ कॉम्पिटिटर काजल राघवानी को लोग उनकी गायकी में कितना पसंद करते हैं। लेकिन भाई जो भी हो, इसमें फायदा तो दर्शकों का ही होने वाला है, क्योंकि उनको अपने सुपरस्टार्स के गाने जो सुनने को मिलेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।